जैसे ही चाइना में कुछ होता है तो कहीं ना कहीं हमें भी डर लग जाता है अब वो फिर आएगा इंडिया में तो मैं ऐसा नहीं मानता इंडियन सरकमस्टेंसेज अलग हैं इंडिया में कम्युनिटी की जो एंटीबॉडीज़ और जो इम्यून स्टेटस है वो काफ़ी डिफरेंट है तो मेरे को नहीं लगता कहीं पैनिक करना चाहिए हमें तो बड़ा एक नॉन स्पेसिफ़िक टर्म यूज़ किया है वॉकिंग निमोनिया ये ना ग्रुप ऑफ पेशेंट है जिनको निमोनिया हुआ है निमोनिया मतलब बुखार हुआ है चेस्ट में इनफिल्ट्रेट्स आए है हैं जिसको हम निमोनिया का रूप देते हैं बट कोई स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया नहीं है एक नहीं है लाइकली है कि कोविड काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे तो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं थे या एक्सपोज नहीं थे तो ऑलोस्ट सडन जो छोटे बच्चे हैं वो एक्सपोज हो गए और उनको एक जैसे सिम्टम्स आ गए हैं और सडनली ओवर क्राउडिंग हो गई हॉस्पिटल में इसलिए शायद पैनिक हो गया एक्चुअली बड़ा एक नॉन स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया है वॉकिंग निमोनिया ये ना ग्रुप ऑफ पेशेंट है जिनको निमोनिया हुआ है निमोनिया मतलब बुखार हुआ है चेस्ट में इनफिल्ट्रेट्स आए हैं, हैं जिसको हम निमोनिया का रूप देते हैं बट कोई स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया नहीं है एक नहीं है तीन चार वायरसेस तीन चार बैक्टीरिया निकले हैं जैसे माइकोप्लाज्मा है आपका आर है इन्फ्लुनजा है कोविड भी उसमें है ये सब मिला जुला के उनके जो सिम्टोमेटोलॉजी है एक जैसी है इसलिए उन्होंने टर्म दिया है वॉकिंग निमोनिया इसका कोई बहुत साइंटिफिक बेसिस नहीं है कोई नया बैक्टीरिया वायरस नहीं आया है लाइकली है कि कोविड काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे तो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं थे या एक्सपोज नहीं थे तो ऑल ऑफ सडन जो छोटे बच्चे हैं वो एक्सपोज हो गए हैं और उनको एक जैसे सिम्टम्स आ गए हैं और सडनली ओवर हो गई हॉस्पिटल में इसलिए शायद पैनिक हो गया है तो ये अगर हम बात करें कोई भी वायरस कोई भी बैक्टीरिया अगर पेशेंट एक्सपोज नहीं है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है वो कभी एक्सपोज हुआ नहीं था एंटीबॉडीज़ नहीं डेवलप हुए तो कोई भी एक में से सौ में से एक वायरस या बैक्टीरिया डेटली हो ही सकता है वो आई की ज़रूरत पड़ सकती है एडमिशन्स की ज़रूरत पड़ सकती है तो माइक्रोप्लाजमा ले लें मैक्सिमम पेशेंट्स में माइनर से सिम्टम्स रहते हैं कॉफ मेजर सिम्टम होती है किसी बच्चे में से वन इन हंड्रेड या वन इन टू हंड्रेड में निमोनिया का रूप दे सकता है ऐसे हम कोविड की बात करें ऐसे ही इन्फ्लुजा की बात करें ऐसे आर की बात करें तो इन जनरल सडनली क्राउडिंग हो गई क्राउडिंग मीन्स ये सारे के सारे क्लब हो गए हैं वायरसेज और जो बैक्टीरिया हैं और ऑल ऑफ सडन उनके एमरजेंसीज ओवर क्राउडिड हो गई है इसलिए शायद पूरी वर्ल्ड में पैनिक फैल गया पैनिक इसलिए हर गंदा वायरस या बैक्टीरिया चाइना से ओरिजिनेट हुआ है अभी हमारा डर ख़त्म नहीं हुआ है अभी हमने तीन साल चार साल पहले कोविड वेव देखी है तो जैसे ही चाइना में कुछ होता है तो कहीं ना कहीं हमें भी डर लग जाता है अब वो फिर आएगा इंडिया में तो मैं ऐसा नहीं मानता इंडियन सरकमस्टेंसेस अलग हैं इंडिया में कम्युनिटी की जो एंटीबॉडीज़ और जो इम्यून स्टेटस है वो काफ़ी डिफरेंट है तो मेरे को नहीं लगता कहीं पैनिक करना चाहिए हमें सर अच्छी सर ऐसा एक्चुअल में चाइना में थोड़ी मिस्टीरियस चीज़ें तो होती हैं इन द सेंस कि वहाँ की चीज़ें क्लैरिटी के साथ नहीं आती हैं वो हाइड करते हैं साइंस को हाइड करते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स को हाइड करते हैं वहाँ की ईटिंग हैबिट्स थोड़ी अलग हैं जंगलों में इन्वेट करते हैं जहाँ पे बैट्स हैं शायद वहाँ पे लैब्स हैं जहाँ पे बड़े एक्सपेरिमेंटेशंस होती हैं तो शायद ये मिला जुला कर रहे हैं अगर हम देखें अभी तक तो कोविड का प्रूफ कहाँ हुआ है कि वायरस वहाँ से आया कौन सी लैब से वुहान में कौन सी लैब थी क्या था देखा जाए तो वो इतना बड़ा कहते हो ना हंगामा हो गया पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा पेंडेमिक हो गया लेकिन अभी तक हमें कॉज नहीं मालूम पड़ा आपको क्या लगता है ये जो चल रहा है इसके पीछे हमें मालूम पड़ पाएगा अभी तो देखा जाए तो बड़ी माइनर स्केल पर चाइना तक की लिमिट है तो लेट्स सी क्या होता है आगे देखते हैं देखिए सावधानी अगर हम जनरल बात करें किसी को भी खांसी जुकाम होता है या तो वापस एस्परी ट्रैक तक रहेगा यहाँ तक रहेगा या निमोनिया जिसमें लंग्स इन्वॉल्व जब लंग्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम निमोनिया का रूप देते हैं निमोनिया के कुछ स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स होते हैं हाई ग्रेड फीवर सांस से चलना अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आपको इमीजिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए कारण बहुत हो सकते हैं कारण में क्या सौ से ज़्यादा कारण हो सकते हैं वायरसेज हो सकते हैं बैक्टीरिया हो सकते हैं इन्फ्लुज़ा एक वायरस है माइक्रोप्लाजमा एक बैक्टीरिया है कोविड एक वायरस है आर एक वायरस है तो काफ़ी सारे काजेज़ होते हैं जो वायरसेज बैक्टीरिया जो निमोनिया निमोनिया का धूप धा रूप धारण कर सकते हैं और इन सब में सिमटोमेटोलॉजी वायरस का कोई ट्रीटमेंट होता है नहीं है बैक्टीरिया के लिए एंटीबॉडी एंटीबायोटिक्स होती हैं सब पेशेंट्स को एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं होती अगर वो सिंपल अपर स्प्री ट्रैक तक है निमोनिया है तो ऑफकोर्स कभी कभी एंटीबायोटिक देनी पड़ती है तो अगर हमें ये बेसिक चीज़ों का ध्यान दें हम कि अगर पसलियाँ चल रही हैं सांस से चल रही है फीवर हंड्रेड थ्री हंड्रेड हंड़त जा रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें वो बेस्ट यू कैन से ट्रीटमेंट है सर क्या तो जो किड्स uh, में देखें कि जो वायरस है वो तो है ही है लेकिन पॉल्यूशन भी उसमें कहीं ना कहीं और सरप्लस कर रहा है उसको। कभी भी पॉल्यूशन क्या करता है दो तीन तरह की डिजीज को ज़्यादा घातक बनाता है पॉल्यूशन जब एंटर करता है वो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है पूरी बॉडी में स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो अनेबल होती है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस है वो इन्वेट कर सकता है तो एक तरह से एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वो वाली कहावत सिद्ध हो सकती है कि पॉल्यूशन में किसी भी तरह का एलर्जेंस किसी भी तरह का बैक्टीरिया वायरस थोड़ा सा घातक सिद्ध हो सकता है